हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर वेरी हेल्दी, वेरी टेस्टी एंड वेरी इजी पास्ता सैलड रेसिपी। आप इसको मेयोनेज सैलड भी बोल सकते हैं, मैक्रोनी सैलड भी बोल सकते हैं। बहुत आसान है इसको बनाना। झटपट से आप इसको कभी भी बनाकर रख लीजिए, फ्रिज में इसको स्टोर कर लीजिए और आराम से पूरे एक दिन तक आप इसको लंच में, डिनर में कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसको स्नैक के फॉर्म में खाइए, साइड डिश के फॉर्म में खाइए, या फिर आप इसको ब्रेड के अंदर रख के और उसके बाद में सैंडविच के फॉर्म में बनाकर भी बच्चों को दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो लॉकडाउन के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, कैसे बना सकते हैं मैक्रोनी पास्ता सैलेड। आइए शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मैक्रोनी को बॉईल करना होगा। मैक्रोनी बॉईल करना आजकल सभी को आता है, सभी के घर में मैक्रोनी पसंद की जाती है और सभी लोग घर में बनाते हैं। तो यहां पर मैंने लिया है एक बर्तन में 1 लीटर पानी। इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाला, आधी चम्मच, आधी से 1 चम्मच नमक डालें और पानी को उबलने दें। जैसे ही पानी उबलना शुरू होगा हम इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। एक बार मिक्स करेंगे और इसके बाद में फ्लेम को मीडियम हाई करके इसको 8 से 10 मिनट तक कुक करेंगे। 8 से 10 मिनट में मैक्रोनी हमारी लगभग 80% कुक हो जाएगी और बस इतना ही हमें इसको कुक करना है। हम गैस को ऑफ करेंगे, पानी को हटा देंगे और छानने के बाद में मैक्रोनी पर तुरंत ही ठंडा पानी डाल देंगे ताकि हमारी जो मैक्रोनी है वो ओवर कुक ना हो और ज़्यादा मशी ना हो पाए। तो देखिए मैक्रोनी को यहाँ पर छान लेते हैं। अब इस पर तुरंत से ठंडा पानी डाल देते हैं। जब भी आप पास्ता सैलेड बनाने वाले हों तो इसके लिए हमारी जो मैक्रोनी है उसका बिल्कुल अलग अलग होना, खिला हुआ होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हमने यहाँ पर इस स्टेप को फॉलो किया है और तुरंत से बॉईल करने के बाद हमने इसके ऊपर ठंडा पानी डाला। छलनी में आप इसको पड़ा रहने दें, मैक्रोनी को कुछ देर पड़ा रहने दें ताकि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर हो उसके अंदर वो पूरा की पूरा ड्रेन हो जाए। और यहाँ पर एक थाली को हमने अच्छे से ऑयल से चिकना कर लिया। मैक्रोनी का पानी जब निकल जाएगा तब इसके बाद में मैक्रोनी को इस तरह से थाली में कुछ देर के लिए फैला देंगे ताकि मैक्रोनी आपस में चिपके ना। अब आइए सैलेड बनाना शुरू करते हैं। तो आपको लेना होगा एक मिक्सिंग बोल, उसमें हम लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मेयोनेज। आप एगलेस मेयोनेज ले सकते हैं, एग मेयोनेज ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस की जगह आप इसमें 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। आधी से 1 चम्मच नमक डालेंगे और आधी चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। साथ ही इसमें 1 से 2 चम्मच हम ऐड करेंगे वाइट विनेगर। विनेगर की जगह आप चाहें तो आधा नींबू का रस भी निचोड़ कर डाल सकते हैं। तो देखिए ये हमारी ड्रेसिंग बनकर तैयार हो चुकी है, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। तो यहाँ पर हमारी मेयो ड्रेसिंग बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे इसको और भी ज़्यादा कलरफुल, हेल्दी, यमी बनाने के लिए हम इसमें खूब सारी सब्जियाँ डालेंगे। तो अपनी पसंद की कोई भी सब्जी आप भरकर डाल सकते हैं इसमें। एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च काट कर मैंने डाली, एक बड़ी साइज़ की प्याज मैंने बारीक काट कर डाली, एक टमाटर लेंगे हम उसको भी बारीक काट कर डाल देंगे। और साथ ही खीरे का सीज़न है तो खीरा भी डाल सकते हैं, बहुत ठंडा रहेगा। तो देखिए ठंडा ठंडा खीरा डाल दिया, एक गाजर को भी इस तरह से कद्दूकस करके डाल दिया। चटपटा बनाने के लिए 1 से 2 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो हटा दीजिए, ना डालें, अच्छे से मिला लीजिए। तो यहाँ पर ये जो हमारी सैलेड के लिए ड्रेसिंग है इसमें सब्जियाँ भी पड़ चुकी हैं। तो अब इसमें बारी है पास्ता डालने की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने मैक्रोनी को बॉईल करके रखा है, उसको हम 2 पार्ट्स में ऐड करेंगे। यानी कि आधी हम पहले डालेंगे, साथ ही हरा धनिया डालेंगे इसमें कटा हुआ, और आधा मैक्रोनी हम बाद में ऐड करेंगे ताकि मिक्सिंग में आसानी हो। एकदम से आप चाहें तो डाल सकते हैं, पर बोल मेरा छोटा है इसलिए मैंने आधा आधा करके डाला है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कभी कभी ये भी हो जाता है फ्रेंड्स कि हमें अंदाज़ नहीं लग पाता और जो हमारी ड्रेसिंग है वो कम पड़ जाती है और पास्ता ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी इस तरह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए ड्रेसिंग हमारी परफेक्ट है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, इसलिए बाकी का बचा हुआ पास्ता भी हमने इसमें मिला दिया। तो बस हल्के हाथों से इसको घुमा घुमा कर इस तरह से मिक्स कर लीजिए। पास्ता सैलेड हमारा बनकर तैयार है। इसको ठंडा ठंडा सर्व किया जाता है। आप इसको वैसे तो तुरंत ही खा सकते हैं, पर अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे ना 1 घंटे के लिए तो फिर देखिएगा इसका टेस्ट बहुत ही मज़ा आएगा। चाहे तो ऊपर से थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं आप। और भी ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इस पर डाल सकते हैं मैगी मसाला मैजिक, हल्का सा स्प्रिंकल कर लीजिए, फिर देखिए इसका मज़ा बहुत ही यमी लगेगा आपको। तो बनाकर देखिए मेरी ये पास्ता सैलेड की रेसिपी मेयोनेज़ पास्ता, कैसी लगी रेसिपी लिखकर ज़रूर बताएं। बनाने के बाद में बिल्कुल भी फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए फिर मिलती हूँ एक बढ़िया सी नई सी रेसिपी के साथ। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, लव यू।